नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी अभी प्रेस नोट जारी किया गया है। साथियों, प्रेस नोट में आपसे रिलेटेड बड़े धमाके हम कह सकते हैं चेयरमैन साहब की तरफ से ये गुड न्यूज आपके लिए दी गई है। साथियों, जो कैंडिडेट सीटी मेन्स एग्जाम या फिर पीएमटी शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये न्यूज बेहद जरूरी है। अगर आप भी ऐसी ही अपडेट रेगुलर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, विस्तार से खबर देख लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीटी डाटा वेरिफिकेशन का कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही आयोग परीक्षाओं एम पीएमटी के लिए शेड्यूल जारी करेगा। विदित है कि जब आयोग ने सीटी से संबंधित विस्तृत परिणाम सार्वजनिक किया तो उम्मीदवारों की ओर से अपने रिजल्ट में त्रुटियों से संबंधित तथ्य आयोग को अवगत कराए गए। इन सभी शिकायतों और सुझावों का अवलोकन आयोग द्वारा कर लिया गया है एवं संबंधित डाटा को ठीक व दुरुस्त कर लिया गया है। आयोग ने पाया कि ज़्यादातर गलतियों के लिए उम्मीदवार ही जिम्मेदार है। अब साथियों, काफ़ी युवा सोच रहे हैं कि बार बार एसएससी युवाओं को जिम्मेदार तो बता देती है, लेकिन इसका कारण है साथियों, गलती देखकर आप भी सोचेंगे कि वाकई में युवा ही जिम्मेदार हैं। आवेदन पत्र भरते समय सावधानी न बरतने के कारण ऐसा हुआ है। आयोग के चेयरमैन ने बताया कि सैकड़ों उम्मीदवारों ने तो अपना जेंडर ही गलत भरा है। अब जो कैंडिडेट अपना जेंडर सही नहीं भर सकता, वो क्या सही भरेगा, ये भी आप सोच सकते हैं साथियों। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया भी है कि एक महिला कैंडिडेट है जिनकी शिकायत आई इनके पास कि मेरा सीटी स्कोर अधिक है, लेकिन पीएमटी के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। जब आयोग ने जांच की गई तो पाया कि उम्मीदवार ने महिला वार्डर की जगह फोरम में पुरुष वार्डर दर्शाया गया था, तो शॉर्टलिस्ट कैसे होगी? क्योंकि साथियों, जो सिस्टम है वो अब कंप्यूटर अपने आप उठाएगा, तो आप तब उठाएगा तब वो फीमेल की जगह अगर मेल भर रखा है तो कैसे उठाएगा सॉफ्टवेयर? आवेदन पत्र में तो मेल था और फॉर्म फीमेल का है, तो यानी कि साथियों, ये जो जेंडर की मिस्टेक है ये भी कर रखी है, तो आप सोच सकते हैं और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अब उन त्रुटियों को लगभग ठीक कर लिया गया है। अधिकतर त्रुटियां हैं वो एक्सर्विसमैन को लेकर थी, उनकी पेरेंटल श्रेणी के साथ साथ एक्सर्विसमैन श्रेणी में भी रखा गया है। इसी प्रकार DSM, DFF, PWD आदि श्रेणियों को भी ठीक कर लिया गया है। उन सब उम्मीदवारों का डाटा अब ठीक कर दिया गया है जिन्होंने अपने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समय रहते वापस ले लिए थे। यानी कि साथियों, जब समय रहते जिस कैंडिडेट ने क्लेम किया है या वापस लिया है, उनका तो जो डाटा है वो ठीक कर लिया गया है। अब किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। अब किए गए किसी भी क्लेम को आयोग स्वीकार नहीं किया है। चेयरमैन ने बताया है कि हजारों की संख्या में उम्मीदवारों ने ग्रुप सी श्रेणी के पदों के लिए, यानी कि ग्रुप सी भर्तियों में ग्रुप डी के अनुभव के अंक क्लेम किए थे, तो ऐसे उम्मीदवारों के अंक हटा दिए गए हैं और जो प्राइवेट कंपनियों के अनुभव को भी यह स्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों व केंद्रीय सरकार के अनुभव को केवल विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ही माना है। जो कैंडिडेट अनुचित फादरलेस के नंबर ले रखे थे उनको भी हटा दिया गया है। यानी कि परिवार पहचान पत्र से चेकिंग के उपरांत जिनका डाटा ठीक पाया गया है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि पीएमटी एवं कुछ श्रेणियों में जो जारी की गई शॉर्टलिस्ट है उसमें कुछ बदलाव होगा। साथियों, जब ये डाटा चेंज किया गया है तो जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। परिवर्तित हुए डाटा के अनुसार उम्मीदवारों के सीटी स्कोर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाएगा। ऐसे किसी भी उम्मीदवार का दावा स्वीकार नहीं किया गया जिन्होंने आवेदन करते समय अपनी आवश्यक योग्यताओं के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए थे। यानी कि साथियों, अब बाद में अगर कोई मांग करता है और उस समय डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड नहीं किए थे तो उनकी कोई भी जो योग्यता है या फिर उनका कोई दावा है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। साथियों, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही पीएमटी और जो डाटा वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट होने के बाद पीएमटी और मेंस एग्जाम का शेड्यूल है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।